हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग पेपर वेपर करके आ गए होंगे। और पेपर तो मतलब ऐसा पेपर मैंने आज तक नीट में देखा नहीं था। जब मैं स्टूडेंट था तब भी नहीं देखा था, और जब से टीचिंग वीचिंग की तब से भी नहीं देखा। ऐसा इतना आसान पेपर, इतना इजी पेपर बनाने का क्या पर्पस था मुझे मालूम नहीं है। आप एक हाई कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत हाई कट ऑफ एक्सपेक्ट भी मत करना, क्योंकि एक ह्यूमन लिमिट भी होती है कि हाँ, इतने के ऊपर कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, तो उसके बियॉन्ड तो नहीं जाएगा। एज आई एक्सपेक्ट कि 600 के अराउंड डेटा कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। फॉर जनरल कैंडिडेट 600 के अराउंड कॉलेज अलॉटमेंट होगा। और इस मार्क्स पे पहले ऐसा बोलते थे कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इस बार मुझे लगता है कि इस पे सिर्फ कॉलेज ही मिलेगा। बाकी देखते हैं जो भी होगा, क्योंकि ह्यूमन एरर ऑल्सो मैटर्स। लेकिन पेपर, अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर बोलूँ, तो पेपर वॉज एक्सट्रीमली ईजी। जीरो लेवल की डिफ़िकल्टी थी इस पेपर में। पेपर बहुत ही आसान था। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाई वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। सिमेट्रिकल मतलब इवन नंबर का एल्केन बनता है। इवन मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब इवन नंबर हैं। और इसमें आप देख सकते हो हेप्टेन लिखा हुआ है। हेप्टेन 7 है। 7 को 2 टुकड़े में काट नहीं सकते हो। तो अगर आप 7 कार्बन को 2 टुकड़े में काटने की कोशिश करोगे, तो एक तरफ 3.5 कार्बन आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेप्टेन को आप इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। तो एन हेप्टेन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन का सी। ये एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है। CH4 में अगर आप कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, हाइड्रोजन +1 स्टेट में रहता है सभी के साथ, सिवाय मेटल हाइड्राइड को छोड़ के। जब कभी मेटल हाइड्राइड बनते हैं तो वहाँ पर ये -1 में जाता है, अदरवाइज़ ये हमेशा क्या रहता है, +1 में रहता है। अब अगर आप यहाँ पर देखो कि अगर ये हाइड्रोजन +1 में रहेगा, तो यहाँ से आप कार्बन की स्टेट क्या बोल सकते हो, कार्बन इज़ इन -4 स्टेट। और जो नेक्स्ट कंपाउंड बन रहा है CCl4, इसमें Cl क्लोरीन -1 में है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये +4 हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉम -4 to +4, दिस इज़ द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। मीथेनल HCHO चाहते हैं, तो कहीं भी टर्मिनल एल्काइन होता है, मतलब एकदम अंत में अगर डबल बॉन्ड हो तो एक ही कार्बन बचता है। आप जानते हैं मीथेनल में, मीथेनल अगर मैं लिखूं तो दिस इज़ HCHO। तो ऐसा एल्कीन ढूंढना पड़ेगा जिसमें सबसे अंत में डबल बॉन्ड आ रहा हो, तभी तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। और आप ओजोनोलिसिस कई बार बताया भी है, हालांकि सिलेबस में है तो बताऊंगा ही मैं, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। तो दो तरफ ओ है, तो इस वजह से इसमें फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, एंड दिस विल गिव मिथेनल ऑन ओजोनोलिसिस। Cu+2 का डीप ब्लू कलर नीट पूछ चुका है, एम्स पूछ चुका है, और AIEEE यानी JEE मेन भी पूछ चुका है। अब फिर से दोबारा पूछ लिया इन्होंने। CuNH3O4 डीप ब्लू कलर देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड है। ये क्वेश्चन याद करने वाला था, मैंने नहीं पढ़ाया कभी आपको, आई एम एक्सेप्टिंग इट। इसको याद करना था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये गलत लिखा है, अनियम, तो ये गलत लिखा हुआ है। डी का फोर्थ मैच करेक्ट नहीं होगा, रोंटेजियम इसका नाम होता है। तो इसको याद करने का क्वेश्चन था, मैं अगर स्टूडेंट होता तो इसको अटेम्प्ट ना कर पाता बिल्कुल। नेक्स्ट इज 2-ब्रोमोपेंटीन से फॉर्म कर रहे हैं पेंटीन 2। तो पेंटीन मतलब 5 कार्बन आप बना लो, तो 5 कार्बन बन गए। दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक एक्स्ट्रा भी बना लिया मैंने, इसको हटा देते हैं, जस्ट रिमूव 1 कार्बन, सारे कार्बन ही चले गए। तो दोबारा से बनाते हैं, 5 कार्बन का हम लोगों को बनाना है पेंटीन। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस बार सही बना क्या, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, इसमें 2 नंबर पे आपको ब्रोमो लगाना है, हमने यहाँ पर ब्रोमो लगा दिया। और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, पेंट 2-ईन बन रहा है। तो पेंट 2-ईन बनाओगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज़ पेंट 2-ईन। अब इसमें क्या क्या नियम फॉलो किया है, बीटा एलिमिनेशन हुआ है। जहाँ पर ब्रोमीन है उसके जस्ट पड़ोस से अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो, मतलब अगर जस्ट पड़ोस में आप डबल बॉन्ड बना रहे हो, चाहे इधर बनाते और चाहे इधर बनाते, तो इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। तो ये बात तो सही लिखी हुई है। दूसरा है फॉलोज जेट सेफ रूल, इसको सेट जेफ रूल बोलते हैं। ऑब्वियसली फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड बना रहे हो तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से 3 मिल जाएंगे और यहाँ से 2 मिल जाएंगे, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन को आपने प्रेफर किया है। अगर आप इधर की तरफ डबल बॉन्ड बना देते तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या केवल 2 रह जाती। तो यू हैव फॉलोड जेट सेफ रूल, वो भी सही है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये भी सही बात लिखी है, क्योंकि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में एक हाइड्रोजन जाता है और एक हैलोजन जाता है, तो आप ब्रोमीन लेके जा रहे हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके जा रहे हैं, तो ये तीनों बातें सही है। डिहाइड्रेशन फर्जी ऑप्शन है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो डिहाइड्रेशन इज़ रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर ABC हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस आए थे,
तो ये अभी यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, बट ए बी एंड सी आर करेक्ट। इसमें तीनों बातें जो लिखी हैं वो सही बातें हैं। ए बी सी आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है? मोल निकालो पहले और उसको मल्टीप्लाई करो एन से, तो आपके पास क्या जाता है? नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आपको क्या निकालना है? मोल इनटू एन ए। और अगर वो मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई, या जितने भी उसकी मॉलिक्यूलरिटी, डायटोमिक होगा तो 2 से, ट्राईएटोमिक होगा तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। यहाँ पर अगर आप मोल निकालना चाहते हो तो मोल के लिए लिखना पड़ेगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट आप देखो सभी का समान दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। मॉलिकुलर वेट आप लिखोगे तो मॉलिकुलर वेट सबका अलग अलग लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देखें मॉलिकुलर वेट इंटू, यहाँ पर Na कर दूँ अगर मैं, तो जो नंबर ऑफ एटम आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट आ रहा है। एंड इफ इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट, देन आई कैन से जिसका मॉलिकुलर वेट कम उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा, जो सबसे हल्का होगा। और मैं आपको बताऊँ, आज तक ऑल इंडिया PMT ने जब भी इस क्वेश्चन को पूछा है तो उसमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है कि जिसका मॉलिकुलर वेट कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। मिनिमम मॉलिकुलर वेट आपको 7 दिख रहा है लिथियम का, तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन। ब्लिस्टर कॉपर हैज़ ब्लिस्टर्ड अपियरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट, OFR लिख गया, निकल बाई वॉन एरकल मेथड, तो ये भी गलत बात है। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इन टू वेराइटी ऑफ शेप्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। इसको भी मैं प्योर थ्योरी का क्वेश्चन मानता हूँ, तो दिस शुड ऑल्सो बी इन योर माइंड। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तभी आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनाना है। कार्बन पे आप 3 CH3 लगा दो, ये टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये कार्बोकैटायन है तो 3, यहाँ पर 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इवन ये तो बेंजाइल कार्बोकैटायन जिसके पास रेजोनेंस अवेलेबल है उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, CH2+ से भी ज़्यादा स्टेबल है। तो ये एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल में भी आपको बताया ही गया था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बिकम्स द प्राइमरी रीज़न, ये पी होना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एनिसोल को अगर आप तोड़ना चाहते हो तो ईथर का एक ही सवाल मैंने आपको बताया। अच्छा, ये मुझे कहते बड़ा बुरा लगता है कि मैंने बताया था, मैंने बताया था। मैं भी सिलेबस ही पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली वही चीज़ें बताऊँगा जो सिलेबस में पूछी जाती, बट दीज आर द, मेरे कहने का मतलब ये है कि वही चीज़ें पूछी जा रही हैं विच आर पॉपुलर। ईथर में आपको एक ही क्वेश्चन कराया गया था HI वाला, यहाँ पर आप यहीं से तोड़ सकते हो। रीज़न ये, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, चाहे ऐसे समझ लो और चाहे ऐसे समझ लो कि ये टूटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल, तो दोनों ही रीज़न हो सकते हैं। ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। अब आपको HI का जो प्लस माइनस सेक्शन है वो जोड़ देना है, तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा, H प्लस होता है, और यहाँ पर I माइनस जुड़ जाएगा। तो द प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू गेट इज, वन ऑफ देम विल बी फिनॉल और दूसरा क्या होगा, CH3I प्रोडक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मिक्सचर ऑफ N2 एंड आर्गन गैसेस इन अ सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ, टोटल प्रेशर आपको दे रखा है कितना गैस का, 27 bar। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? PN2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर, पी टोटल, ये फॉर्मूला होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मोल निकालोगे 7/28 आ जाएगा, डिवाइड करो, टोटल मोल्स निकालने हैं तो नाइट्रोजन के मोल्स हैं 28 प्लस साथ में आप किसके मोल्स लिखोगे, आर्गन के, तो 8/40 हो जाएगा और इंटू टोटल प्रेशर दिया है 27। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 7 और 28, 1/4, 1/5 आ जाएगा, सिंपली सॉल्व कर लोगे, 15 bar आंसर आ जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी 15 bar। अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, पेपर क्या सोच के बनाए ये तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव 0 dipole moment। 0 dipole moment का एक केस मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो, सेंट्रल एटम विदाउट लोन पेयर, नो लोन पेयर एंड सराउंडेड बाई सेम एटम, नो लोन पेयर एंड सराउंडेड बाई सेम एटम, तो उस केस में क्या होता है? इफ़ इट इज़ सराउंडेड बाई सेम एटम देन इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे? बेरिलियम ट्राई फ्लोराइड BF3 हो जाएगा, सॉरी बोरॉन ट्राई फ्लोराइड हो जाएगा,
इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे अगर हम देखें, अच्छा इसमें ऑप्शन को आप हटा भी सकते हो, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड आपके पास है, बेरिलियम डाई फ्लोराइड लिखोगे इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं आएगा, दो ही बॉन्ड बना सकता है, BeF2 बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ने चार बॉन्ड बना लिए, सी डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, तो इसके पास भी लोन पेयर नहीं बचेगा। और वन फ्लोर डाई क्लोरो बेंजीन अगर बनाओगे तो दोनों का डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, सिंगल एटम है, एक यहाँ पर क्लोरीन होगा एक यहाँ पर, दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे, तो करेक्ट आंसर आपका वन हो जाएगा। अमोनिया में लोन पेयर है, नहीं टिक करूंगा। और इसके बाद यहाँ पर 1,3 डाई क्लोरो भी ऑप्शन से हट जाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF2 अगर आप बनाओगे तो दैट विल बी ऑल्सो प्रॉब्लम। नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड अगेन लोन पेयर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कितनी बार ये पूछेंगे मुझे नहीं मालूम है, इनफाइनाइट टाइम्स पूछेंगे। CONO और N2O, अगर आपको ये गीत याद हो तो ये न्यूट्रल होते हैं, दीज आर न्यूट्रल, तो CO के साथ आप न्यूट्रल को टिक करो, तो फर्स्ट A के साथ सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन टिक कर दो। बेरिलियम ऑक्साइड मेटेलिक हो ऑब्वियसली बेसिक होगा, Al2O3 एम्फोटेरिक हो जाएगा, बेसन गाल जीप पर दुनिया भर की कलाकारी मैंने आपको बता रखी है। रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 4.6 × 10⁻³, रिक्वायर टू रिड्यूस 2 ग्राम टू 0.2 ग्राम। कितनी बार मैंने आपको बताई थी ये बातें कि टी इज इक्वल्स टू 2.303। इवन जब हम लोग लास्ट डे पढ़ रहे थे ना, उस दिन भी मैंने आपको ये हिंदी में लिख के बताया था, लॉग कुल मतलब टोटल अपॉन बचा मतलब रिमेनिंग लिखा जाता है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, इज इक्वल्स टू 2.303 लिखोगे इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, रेट कॉन्स्टेंट दिया है 4.606 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग, टोटल आपने 2 ग्राम लिया था, बचा आपके पास कितना है 0.2 ग्राम। तो आप इसे ज़रा सॉल्व करो, ये हो जाएगा 10⁻⁴। अच्छा इस बार पेपर में कोई कैलकुलेशन नहीं था, इट्स स्ट्रेंज, आई एम रियली शॉक्ड विद दिस पेपर कि वाई दे आर गिविंग दिस काइंड ऑफ पेपर, आई डोंट नो वॉट दे आर प्लानिंग। 1/2 हो जाएगा इंटू, यहाँ पर आप लिखोगे लॉग 2 और 0.2, तो ये लॉग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो अगर ये लॉग 10 हो जाएगा तो इट विल कम आउट टू बी, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। और अगर ये 0.5 आ गया तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ओके ये 10⁻³ मैंने फर्जी में लिख दिया, ये 2.303 × 10⁻³ काटने के उत्साह में लिख दिया था, ये यहाँ पर नहीं है, तो ऊपर 1000 हो जाएगा है ना, 0.5 × ये 1000 जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, 0.5 × 1000 लिखोगे यहाँ पर है ना, तो ये 0.5 × 1000 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 500 सेकेंड है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बिल एमीन टेस्ट, प्राइमरी एमीन देता है और एनिलीन देता है, सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजरिंग जीटा पोटेंशियल, क्यों मेजर करते हैं जीटा पोटेंशियल को, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड पार्टिकल देखने के लिए जीटा पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट आप भर दोगे उतना ज़्यादा ही तो टकराने की संभावना हो जाएगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कॉलिजन फ्रिक्वेंसी होता है। अगर आप इंक्रीज करते हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, कारण क्या होता है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोर पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग। जितने ज़्यादा आप सोचो कि एक कमरे में 100 लोग अगर बैठे हों तो ऑब्वियसली उनके कोलाइड करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। मेटल ऑन एक्टिव, ये इस सवाल को मैं क्या ही बोलूँ, एक बायो के लड़के से आप पूछ रहे हो कि नर्व सिग्नल में सोडियम के साथ कौन काम करता है, इट इज़ शेमफुल, पोटेशियम है ना, करेक्ट आंसर पोटेशियम हो जाएगी, बायो के लड़के से नहीं पूछना चाहिए था। डाई सल्फ्यूरिक एसिड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड H2SO4 लगाया है आपने, तो H2SO4 लोगे तो सल्फेट तो जाएगा नहीं क्योंकि OH जाएगा और OH- एनायन एनोड पे जाता है, एनायन गोज ऑन एनोड, सारी बातें आपको बता चुका हूँ, तो एनायन एनोड पे जाएगा, OH- जाता है तो ऑब्वियसली कौन सी गैस रिलीज होती है, O2। और अगर एक रात पहले की क्लास याद हो तो बताया था कि दो ही सवाल आएंगे, क्या पूछा जाएगा, क्या डिपॉजिट होगा, कितना डिपॉजिट होगा, और सौभाग्य से दोनों ही प्रश्न आ गए, तो हाँ मतलब मैंने बताया था, गुड, दैट्स अ गुड थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड, लाइसिन बेसिक होता है, NH2 एक्स्ट्रा होता है इसके पास, तो लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड है, याद करने का पॉइंट था। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा गया है कि रिएक्शन बिटवीन बेंजल डिहाइड बनाओ जरा, तो ये बन गया बेंजल डिहाइड, दिस वन इज सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच लगा देंगे, एंड एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन बनाते हैं, तो एसीटोफिनोन ये बन गया,
सी डबल बॉन्ड ओ एंड यहाँ पे हम लगाएंगे सी एच थ्री, दिस इज एसीटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट एन ए एच। इन दोनों को मिक्स करके आप डायल्यूट एन ए एच की प्रेजेंस में कर रहे हो तो कौन सा रिएक्शन होगा? कुछ बच्चों के मन में कैनिजारो आया होगा क्योंकि वो बेंजल्डिहाइड देखते ही भावुक हो जाते हैं कि भाई ये तो कैनिजारो देगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बेनायन बनेगा और वो जाके यहाँ पर अटैक करेगा, यानी एल्डोल इज पॉसिबल। एंड दिस टाइप ऑफ एल्डोल इन विच टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर एक्टिंग, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सो फॉर वेरीफाइंग द एल्डोल कंडेंसेशन, यू डोंट नीड टू सी जस्ट वन मॉलिक्यूल, यू हैव टू सी बोथ द मॉलिक्यूल्स। इफ़ एनी वन ऑफ देम हैज़ अल्फा हाइड्रोजन देन दैट विल गो फॉर एल्डोल। अगर सिंगली ये बेंजल्डिहाइड को एनएओ से ट्रीट करते तो हम कैनिजारो रिएक्शन टिक करते। सी आर प्लस टू का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है, क्रोमियम 4s1 3d5। आई एम रियली अशेम्ड ऑफ सॉल्विंग दिस पेपर एंड आई थिंक जो बच्चे तैयारी करके गए होंगे उनको भी ये लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन पेपर था। 3d4 कन्फिग्रेशन हो जाएगा, चारों अनपेयर्ड है, 4 पॉइंट समथिंग। डू यू रिमेंबर दिस समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग विच आई यूज टू टेल यू? क्या आपको याद है जो मैं आपको बताया करता था? 4 पॉइंट समथिंग डाइपोल मोमेंट है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज़ गिवन बाई द फॉलोइंग रिएक्शन, सुक्रोज प्लस H2O ग्लूकोज फ्रक्टोज। आपको KC दे रखा है और आपसे वैल्यू ऑफ डेल्टा जी पूछी गई। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? -2.303 RT log KC। डेल्टा जी निकालना है। और ये एक अच्छी बात है कि दे डोंट वॉन्ट यू टू कैलकुलेट इवन। 2.303 को उन्होंने हटा दिया, मतलब ये तो LN आप लिख सकते हो ना। अगर आप 2.303 ना लिखना चाहो तो आप नेचुरल लॉग लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए मतलब डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस, और आर की वैल्यू आप कितनी लिखोगे? 8.314। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है। यहाँ पे एल एन लिखोगे, के सी की वैल्यू है 2 × 10⁻³३ लिखा हुआ है। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ कि वाई दे आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ पेपर। Probably this paper is made just to give benefit to that student who is not able to qualify NEET. तो private college की seat भरने के लिए कि हाँ भाई चलो 120-130 नंबर तो हर बच्चे का आ जाए। अदरवाइज सच अ पेपर इज नॉट जस्टिफाइड है ना। इतना आसान पेपर नहीं बनाना चाहिए। विच मिक्सचर शो पॉजिटिव डिविशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, इथेनॉल और एसीटोन शो करता है? NCERT का डायरेक्ट सवाल है। पेपर क्रोमैटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और ऑप्शन इन्होंने गलत लिख दिए हैं। ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं होना चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। द ऑप्शन शुड बी डिफरेंट, कहीं ना कहीं तो वो ऑप्शन लिखे ही होंगे। ओके सो आई हैव टू सर्च। ये थोड़ा इधर उधर हो गए हैं क्वेश्चन है ना। अच्छा दोबारा से ये 26 नंबर पे सही करके लिखा गया है। पेपर क्रोमैटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी का एग्जाम्पल होता है। अगेन आई विल से इस क्वेश्चन को उसी बच्चे ने किया होगा जिसको पूरी किताब पढ़ने का समय रहा है, और कुछ गलत करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, CN सबसे आगे होता है और SCN सबसे पीछे हो जाएगा। सल्फर अगर डोनर है तो उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, CN माइनस आगे हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन फ्री हो रहा है तो मतलब प्रेशर पी एक्सटर्नल जीरो है। जीरो क्यों? क्योंकि वैक्यूम में होता है फ्री एक्सपेंशन। अगर पी एक्सटर्नल जीरो है, वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो है, एडियाबेटिक बोला गया है, क्यू भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है। क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। 2Cl Cl2 बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है तो मतलब एनर्जी क्या होगी? रिलीज, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही होगी? रिलीज हो रही होगी। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। वाई? बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन वी कैन कंफर्टेबली से कि एनर्जी रिलीज हो रही है, सो डेल्टा एच विल बी लेस देन जीरो। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरा आप देखो, दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो रैंडमनेस, सॉरी दो एटम से एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो रैंडमनेस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है तो वी कैन से दैट डेल्टा एस विल ऑल्सो बी नेगेटिव, इट मीन्स इट विल बी लेस देन जीरो। दोनों ही लेस देन जीरो हैं तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर।
रिएक्शन बिटवीन एसीटोन, एसीटोन बना लो सी 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 डबल बॉन्ड हो। वैसे भी कीटोन का जब भी ग्रिगनार्ड रेजेंट के साथ रिएक्शन होता है। अब बच्चों अगर आप जरा एक मेरी बात को सुनो, वैसे ये कोई वो नहीं है, जो 20 रिएक्शन आपको कराए थे मैंने, आप जरा देखना कि ऑर्गेनिक कितना खींच लिया उसने। बाद के चार्ट को पढ़ने का आपको वेटेज मिलता है एक या दो क्वेश्चन, हर साल यही होता है। मे बी यू माइट बी थिंकिंग कि हाँ ठीक है लेट इट बी, बट हर साल यही चीज़ हो रही है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। अब इसमें मान लो ग्रिगनार्ड रेजेंट ले आके जोड़ते हैं, ग्रिगनार्ड रेजेंट होता है CH3 मिथाइल दिया है, MgBr यहाँ पर MgCl जोड़ दो, तो ये CH3 जब यहाँ पर आके जुड़ेगा तो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, Cl2H9 आपको पता है कि कहाँ पर रिएक्ट करता है, ये जो रिएजेंट है Cl2 oblique H9 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है और जो एल्काइल वाला हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस कर देता है, तो वहाँ पर आपको दो क्लोरीन मिल जाएंगे CCl2। और उसके बाद आपको पता है हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो यहाँ पर OH जुड़ेगा, OH दो दो एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होता है तो CHO बन जाएगा। इट वॉज अगेन अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। सो वॉट वी आर गोइंग टू गेट हेयर इज CHCl2, दिस विल बी अवर एक्स, इसमें हमारा CHCl2 हो जाएगा। द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20, नंबर ऑफ फेराडे का फॉर्मूला क्या होता है, I into T डिवाइडेड बाई 96500, या तो नंबर ऑफ़ फेराडे आप यहाँ से निकालते हो और ये बराबर होता है नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट के, जितने फेराडे उतने इक्विवेलेंट। ये भी लाइन मुझे लगता है आपको याद होगी, कई बार आपको ये बात बताइए, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट निकाल लो, फेराडे अपने आप आ जाएगा। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोल कैसे निकालोगे, वेट 20 ग्राम दे रखा है, मॉलिकुलर वेट 40 दिया है, वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/2 × 2 बराबर 1 आ जाएगा, जितने इक्विवेलेंट उतने ही फेराडे होते हैं, तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट, ये तो इन्होंने पूछ लिया NTA के प्रीवियस, वो जो NTA का पेपर करा रहे थे उसी से पूछ लिया, सेटाइल ट्राइमिथियम, उसमें हर बार पूछ रहे थे कैटायनिक। एक बार का आप सेशन याद करो, NTA का पेपर कराते समय मैंने बोला था कि इस बार ये डिटर्जेंट पे बड़े पागल हो रहे हैं, तो हर बार ये पूछ रहे हैं कौन कैटायनिक है कौन एनायनिक, तो इस बार एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, आ ही गया है ना, तो एक क्वेश्चन भी मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर आप जानते हैं पॉली आइसोप्रीन, नेचुरल रबर का मोनोमर होता है, पॉली लिख दिया गया तो पॉलीमर हो जाएगा, आइसोप्रीन मोनोमर होता है, सल्फर में ओ लिंकेज, नाम भी दे दिया इन्होंने परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर परोक्सी लिंकेज होता है और ओ का मतलब परोक्सी लिंकेज है। क्वेश्चन नंबर 36 में NiOH होल्ड ट्वाइस इन 0.1 mm NaOH, गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH होल्ड ट्वाइस इज 2 × 10⁻⁵। तो अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट लिखता हूँ NiOH होल्ड ट्वाइस का, तो ये हो जाएगा Ni का कंसंट्रेशन और OH माइनस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। Ni का कंसंट्रेशन आप नई सॉलेबिलिटी कंसिडर कर लें यानी एस डैश, और OH माइनस आएगा मेनली 0.1 mm यहाँ से, तो यहाँ आप 0.1 का स्क्वायर लिखेंगे। QIP इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 2 × 10⁻¹⁵, एस डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻¹⁵ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये -13 बन जाएगा, करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, सिर्फ एटम बनाता है, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 भी आता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट आपको दे रखा है 2.15, यानी KF दे रखा है 2.15। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.07, यानी M की वैल्यू कितनी दी है 0.078। सॉल्यूशन इन बेंजीन कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन बेंजीन, तो डेल्टा TF आपको निकालना है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF यानी 2.15 इंटू मोलैलिटी, यानी आप 0.078 लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, केवल इतना छोटा सा मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये नियर अबाउट 0.167, और अगर आप डेसिमल के 2 प्लेस तक देखेंगे तो 0.20 आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ गड़बड़ ये है बच्चों, ये 2.15 जो है ये मिसप्रिंट हो गया है, 5.12 दिया था जो आपका नीट का क्वेश्चन था उसमें 5.12 दिया था, तो अगर आप 5.12 लिखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0.40 आंसर आ जाएगा, जो कि आना चाहिए नीट के पेपर के हिसाब से। ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया, 2.15 अगर होता तो आंसर 0.20 हो जाता, तो इफ़ वी आर टेकिंग 5.12 देन द आंसर विल बी 0.40 इन दिस केस।
क्वेश्चन नंबर 39, HCl पास कर रहे हैं आप CaCl2, MgCl2 और NaCl में कौन क्रिस्टलाइज होगा? एक ही इसमें से क्रिस्टल बनाता है NaCl, बाकी ये दोनों जो हैं एक KCl और MgCl2 ये आप जानते हैं ये हाइड्रेट हो जाते हैं सेकेंड डे के हैं, तो दे विल गेट हाइड्रेटेड और ये अमॉर्फस सॉलिड बना लेंगे, दे विल फॉर अमॉर्फस सॉलिड, इसलिए इसमें क्रिस्टल बन के नहीं आएगा। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्या क्वेश्चन था ये 71, मतलब ये किस लेवल में पूछा जाना चाहिए, 9th 10th में पूछना चाहिए 175। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछें, प्रोटॉन 71 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स 175 में से 71 घटा दो 104 आ जाएगा, न्यूट्रॉन 104 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 71 हो जाएंगे, यानी 71 104, ये अगेन अ मिस प्रिंट हेयर, 71 104 एंड 71, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, इट शुड बी 71, जल्दबाजी की वजह से मिसप्रिंट हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल, गलत लिखा है, आपको पता है CO पॉइजनस ही क्यों होता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल के एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, हीमोग्लोबिन बना लेता है, दैट्स वाई इट इज़ पॉइजनस। क्वेश्चन नंबर 42 को मैच करना है, CO प्लस H2 सिंथेसिस गैस है, टेम्पररी हार्डनेस मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाईकार्बोनेट से होती है, B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और H2O2 नॉन प्लेनर बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, कई बार मैंने आपको बताया है, तो आप मैच कर लें, A के साथ थर्ड आना चाहिए, B के साथ फर्स्ट आना चाहिए, बस इतने से हो जाएगा, सेकेंड आंसर करेक्ट है, C के साथ आ जाएगा सेकेंड और D के साथ फोर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, क्रोमियम इज स्ट्रॉगर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2, सही बात है, ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, गलत स्टेटमेंट इसमें है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr4-2 एंड Cr2O7 आर नॉट सेम, नॉट गलत बात लिखी है, दोनों में +6 होती है, सेम होती है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। 44, BCC का रिलेशन क्या होता है, √3a यानी बॉडी डायगोनल इज इक्वल्स टू 4r, यहाँ से आप रेडियस निकालोगे √3/4 a आ जाएगा, ए का वैल्यू 288 दे रखा है, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट पहचानना है, CO2 गैस इज यूज्ड, गैस नहीं यूज होती है, सॉलिड यूज होता है, ड्राई, अगर यहाँ सॉलिड लिखा होता तो सही हो जाता है, क्योंकि ड्राई CO2 इस्तेमाल होती है फ्रीजिंग में, स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन 12-6 कार्बन, फर्जी बात लिखी है, 12-6 कार्बन रिंग नहीं होती हैं, 12-5 कार्बन रिंग होती हैं, NCERT में लाइन ही लिखी हुई है इस तरीके की, और पी ब्लॉक पढ़ाते समय आपको मैंने इस लाइन पे कई बार फोकस करने को कहा था। जियोलाइट कन्वर्ट एल्कोहल, ये भी NCERT की लाइन उठाई है, बिल्कुल डायरेक्ट, CO कलरलेस ऑर्डरलेस है, बिल्कुल सही बात है, तो सी और डी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे, बाकी सब गलत लिखे हैं। तो ये अपने 45 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बच्चों, दो तीन बातें मैं आपको बता दूं इस पेपर से रिलेटेड विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहली बात तो ये है एक्सपेक्ट अ हाई कट ऑफ, बड़ी कट ऑफ का तैयारी कर लें आप अपने दिमाग में, और वो हाई कट ऑफ क्या होगी, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 600 पे इस बार कॉलेज अलॉट होना चाहिए, दिस इज़ माय एक्सपेक्टेशन, पूरी तरह गलत भी हो सकती है, लेकिन कॉलेज का जो अलॉटमेंट है जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, वो 600 पे जाना चाहिए, जो कि 550 तक ऑलरेडी जा चुका है, तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग 600, बिकॉज पेपर वॉज आई डोंट नो, एक होता है पेपर आसान आना, एक होता है पेपर का लेवल ही गिरा देना, तो इट वॉज बेलो द लेवल पेपर था, बेलो एवरेज पेपर था, तो 600 तक कट ऑफ जानी चाहिए, 550 प्लस वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दे माइट गेट अ कॉलेज, ह्यूमन एरर्स अगर ज़्यादा हुई तो आपका लक काम करेगा, तो 550 तक यू कैन एक्सपेक्ट अ मेडिकल कॉलेज दिस ईयर, बट 550 के बेलो तो उम्मीद मुझे कम दिख रही है इफ़ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो बच्चों जस्ट जैसा भी आपका रिजल्ट आया है, जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट दैट, अगर आप 550-600 इस रेंज में आ रहे हैं तो जस्ट इन्जॉय, यू आर अबाउट टू बी इन मेडिकल कॉलेज, अगर आपका स्कोर 400-450 इसके करीब आ रहा है तो जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, या फिर वट एवर यू हैव डिसाइडेड, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर बींग विथ मी, और आसान पेपर था, आप क्या ही बताऊँ, ऐसा पेपर तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आ गया, तो दैट्स अ गुड थिंग, हैव अ नाइस डे।